Myself, Ganesh Singh Chauhan, Faculty of Botany in CLC Seeker. मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बायोकेम डीटीएस फोर्थ टॉपिक है सेल बायोलॉजी. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गिवन कैरेक्टर्स आर रिलेट विद द प्रोकैरियोटिक सेल. एक प्रोकैरियोटिक सेल से कितने स्टेटमेंट कैरेक्टर्स रिलेट कर रहे हैं. मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट. ओब्वियसली कोई भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंस नहीं होता प्रोकैरियोट में, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारे लिए राइट है. हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंस इन जेनेटिक मटेरियल. हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट का कैरेक्टर है, ये यहाँ प्रेजेंस नहीं है. इट प्रेजेंस इन स्पाइरुलिना. ये एनसीईआरटी बेस्ड है स्टेटमेंट. यस, स्पाइरुलिना में प्रोकैरियोटिक सेल है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट. ओब्वियसली ये कैरेक्टर यूकैरियोट का है तो एब्सेंट है, ये सही है. कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए. यस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें प्रेजेंस होता है. तो इस तरीके से जो कैरेक्टर रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर वो टोटल हैं फोर. तो इसका मतलब है कि हमारा सेकंड राइट आंसर बनता है. इट मींस सेकंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन टू प्रिपेयर स्पिंडल फाइबर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल. क्रोमोसोम का पोल्स की ओर मूवमेंट थ्रू द स्पिंडल फाइबर होता है, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल ऑर्गेनेल है वो सेंट्रोसोम माना गया है, क्योंकि दोनों सेंट्रियोल पोल्स पर पहुँचते हैं और यहाँ पर इनमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, इससे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेल ऑर्गेनेल रिलेट टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड प्रोटोफॉस्फोराइलेशन रेस्पेक्टिवली. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी क्लोरोप्लास्ट में बनता है. इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट. सेकेंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट प्लीज. न्यूक्लियस प्रेजेंस इन. ऑब्वियसली ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, कोई इसमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस की बात करी गई है. इमेच्योर फॉर्म में आरबीसी में जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं, वहाँ से कुछ जो सेल्स बनती हैं उनमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस पाई जाती है, लेकिन जब एरिथ्रोसाइट बनता है तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है. इसी तरीके से इमेच्योर सीएमटीयू में इनिशियल स्टेज पर न्यूक्लियस है, बट एट द मेच्योरिटी दे रिलीज और दे डिग्रेड देयर न्यूक्लियस. इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की जो प्रेजेंस पाई जाएगी वो इमेच्योर आरबीसी एंड इमेच्योर सीएमटीयू दोनों में पाई जाएगी. हमारा फोर्थ आंसर सही माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द फंक्शन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रल प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है उसका क्या फंक्शन होना चाहिए. एक्ट एज ए चैनल और कैरियर प्रोटीन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स नॉर्मल डिफ्यूजन नहीं करते हैं मेम्ब्रेन से, देन दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन. दैट्स वाई फर्स्ट अपना राइट आंसर बनता है. जबकि एक्ट एज ए प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर सरफेस, तो इंटरनल नहीं पेरिफेरल प्रोटीन प्रोडक्शन कर सकती है. रूबिस्को की तरह काम करता है, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है. कोलेजन की तरह काम करता है, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है. इट मींस फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंगल क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. एनसीईआरटी में ये चीज़ एक्सप्लेन है. क्लेमाइडोमोनास की सेल में एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट है. यूलोथ्रिक्स की सेल में भी हर एक सेल के अंदर एक एक क्लोरोप्लास्ट है. मीजोफिल में 20 से 40 की प्रेजेंस है. तो इसका मतलब है फोर्थ हमारे लिए आज आंसर सही बन रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. कप शेप एंड रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टिवली. कप शेप क्लेमाइडोमोनास का यूनिक करेक्टर है. रिबन शेप या स्पाइरल इस क्लोरोप्लास्ट इज ए करेक्टर ऑफ स्पायरोगायरा.
means right answer is second, because cup shape found in Chlamydomonas and ribbon or spiral shape found in Spirogyra. Next question, please. Protoplasts have been given by following. Pichli saal protoplast question neat mein aaya tha, to ye protoplasm par information hamare liye important ho sakti hai. Isiliye aur is par sabse zyada pucha jane wala question yahi hai ki protoplasm term kisne diya hai, to Purkinje hai. Ise hame yaad karna hai, information based question hai, acha question hai. That's it. Second is the right answer. Next, please. Chromatin material of the nucleus made up of nucleoprotein, which is obviously nucleoprotein mein nucleic acid and proteins hote hain, histone hote hain, non histone protein hote hain. So this is a conjugated protein. Just isme koi bahut badi information nahi hai. Conjugated protein hai. First is the right answer. Next, please. Histone protein are positive charge and basic protein. They provide stability of following. Histone protein ko ya positive charge protein ko DNA ki stability ke liye nucleic acid mein rakha jata hai, genetic material ke sath bind up kiya jata hai, jisse organism ki stability possible ho. Isiliye kaha jata hai ki histone protein ek acidic charge ko neutral karta hai, acidic nature ko neutral karta hai, jabki positive charge negative ko neutral karta hai, stability provide karta hai. इसलिए DNA जो कि एक नेगेटिव चार्ज और एसिडिक DNA है, तो ये हमारे लिए सेकंड राइट आंसर बनता है. बाकी इसमें से कोई भी ऐसा राइट ऑप्शन नहीं है. सेकंड इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन इन यूकेरियोटिक सेल मेनली प्रिपेयर्ड बाय. ये अच्छा लॉजिकली क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है, क्योंकि सेक्रेटरी जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक्चुअली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू बनते हैं. RER उन्हें प्रिपेयर करती है गोल्जी बॉडी में, उनको पैकिंग की जाती है, मॉडिफिकेशन की जाता है, और वेसिकल के थ्रू टुवर्ड्स द पेरिफेरल रीजन एक्सोसाइटोसिस के लिए उन्हें भेजा जाता है. तो सेक्रेटरी जो प्रोटीन होते हैं वो कहीं ना कहीं मेनली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू बनते हैं, जबकि जो नॉन सेक्रेटरी हैं, जो सेल में यूज होने वाले हैं, वो फ्री पॉलीराइबोसोम साइटोप्लाज्म में बनाए जा सकते हैं. मीन्स थर्ड इज द राइट आंसर. Next question, please. Select incorrect statement about to Golgi body. Golgi body के लिए गलत क्या है? इसका मतलब है first option में हम देखें तो they are studied by Camelia Golgi, ये सही है. हमें गलत को select करना है. Golgi body in plant cell known as dictyosome, ये भी एक अच्छा statement है, सही है. Maximum number of found in root cap. रूट कैप पे ज़्यादा प्रेजेंस इसलिए होती है क्योंकि वहाँ सिक्रीशन सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है सेक्रेटरी, और वो एक रूट को सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, तो ये भी सही है. बट गोल्जी बॉडी आर नॉट रिलेटेड विद द एटीपी फॉर्मेशन, मींस इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज फोर्थ. फोर्थ इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Cell recognition and adhesion in the cell membrane performed by the following antigen antibody interaction. खास तौर से एंटीजन का एक मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर इंटरेक्शन होना, मेडिसिन का या दूसरी चीज़ों का, वो सारा काम मेम्ब्रेन पर ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के जरिए होता है. इसीलिए इसका राइट आंसर थर्ड है. सिर्फ प्रोटीन ऐसा काम नहीं करती, सिर्फ लिपिड काम नहीं करती, प्रोटीन लिपिड नहीं बल्कि एक कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड जो लिपिड है, वो इस तरीके का वर्क करती हैं. थर्ड इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेल वॉल ऑफ फंचाई मेड अप ऑफ फॉलोइंग. सेल वॉल जो फंगस की है उसमें मेन कंपोनेंट काइटिन माना गया है और पॉलीसेक्राइड की प्रेजेंस मानी गई है. म्यूरामिक एसिड ओबियसली प्रोकैरियोट का करैक्टर है. फंगस इज नॉट ए प्रोकैरियोट. पेप्टाइडोग्लाइकेन आर आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ये बात सही है कि सेलुलोज कुछ एक फंगस में लोअर में पाया जाता है, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज थर्ड. थर्ड इज राइट.
Next question, please. About 70% catabolic enzyme of cell are found in following cell organelle. ये अच्छा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया पर बेस्ड है, क्योंकि कैटाबॉलिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में हैं और जो कैटालाइटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली क्रेब्स साइकिल में. इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को एंजाइम बैग के नाम से भी जानते हैं, और इसीलिए इसमें सीधे ही आंसर बनता है हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया. थर्ड इज द राइट आंसर. प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन. एनाबॉलिक एंजाइम मेनली फाउंड इन फॉलोइंग. ये दो क्वेश्चन आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं. एनाबॉलिक रिएक्शन आर मेनली फॉर्मिंग रिएक्शन, दे आर परफॉर्म इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. इसका मतलब है कि एनाबॉलिक एंजाइम भी ज़्यादातर मेजोरिटी में क्लोरोप्लास्ट में ही पाए जाते हैं. यहीं पर मैं एक और बात बता दूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन और आता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मेनली फाउंड इन, तो वो उसके लिए आंसर हम लाइसोसोम को बनाते हैं. तो सेकंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. इफ द ग्लाइकोकैलिक्स इज लूजली अरेंज्ड इन सेल वॉल ऑन सेल वॉल देन इट कॉल्ड. ऑब्वियसली अगर ये टाइटली अरेंज होता है तो हम इसे कैप्सूल कहते हैं, और जब लूजली अटैच होता है तो हम इसे स्लाइम लेयर कहते हैं. फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. रेड कलर और इन टमेटो अपीयर बाई द फॉलोइंग पिगमेंट. क्रोमोप्लास्ट में कहा गया है कि डिफरेंट कलर इन प्लांट आर अपीयर्ड बाई कैरोटेनॉइड, दे आर जनरली ऑरेंज येलो इन कलर, बट सम स्पेसिफिक प्लांट हैव स्पेसिफिक पिगमेंट, दे आर ऑल्सो नेसेसरी इन आवर स्टडी. लाइक लाइकोपीन प्रेजेंस इन टमेटो, और इसी वजह से टमेटो का जो बॉटनिकल नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है. कैप्सिकेन की वजह से ही चिली का बॉटनिकल नाम कैप्सिकम एनम है. बीटेडिन की वजह से ही बीट रूट चुकंदर को बोला जाता है. जी जेंथोल के बेसिस पर ही जी अमेज बॉटनिकल नाम दिया गया है. ये पिगमेंट के बेसिस पर इनके बॉटनिकल नाम है. इसलिए लाइकोपीन चूंकि पीएमटी में भी आ चुका है, तो इसलिए लाइकोपीन खास है, टमेटो में रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. थर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड. कॉलम फर्स्ट और सेकेंड को मैच करना है. ल्यूकोप्लास्ट का जो कनेक्शन है वो स्टोरेज से है. ल्यूकोप्लास्ट इज रिलेट विथ एलुरोप्लास्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोरेज ऑफ प्रोटीन. इलाइयोप्लास्ट से भी इसका कनेक्शन है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर फैटी सब्सटेंसेस. और जो क्रोमोप्लास्ट है वो कैरोटिनॉइड से कनेक्ट है, और ये कलर ऑफ पेटल से रिलेटेड है. तो ए में सेकेंड एंड थर्ड, और बी में आपका ए एंड फोर्थ. इसका मतलब है फर्स्ट इज द राइट आंसर, नो डाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल रिप्रेजेंट केमियोस्मोटिक थ्योरी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बनता है इस पर. केमियोस्मोटिक थ्योरी रिलेट विद द एटीपी फॉर्मेशन. एटीपी फॉर्मेशन अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इट मींस हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर जो थर्ड है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, इसलिए राइट बनता है. फर्स्ट में ER है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता. सेल मेम्ब्रेन एटीपी का फॉर्मेशन नहीं कराती है, गोल्जी बॉडी भी नहीं कराती है, तो थर्ड हमारे लिए राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो. रॉन्ग को सेलेक्ट करना है. फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट पॉलरिटी इन अरेंजमेंट. बिल्कुल सही है, इनका हेड टुवर्ड्स द आउटर है. द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ सिंपल लिपिड लाइक पॉली फॉस्फोग्लिसराइड. फॉस्फोग्लिसराइड इज नॉट ए सिंपल प्रोटीन, सिंपल लिपिड, वाइल इट इज ए कॉन्जुगेटेड. और इसीलिए सेकेंड यहाँ पर गलत हो रहा है. द रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड वेरीज कंसिडरेबल मेम्ब्रेन डिफरेंट. बिल्कुल सही है, अलग अलग मेम्ब्रेन में इसका कंसेंट्रेशन वेरिएबल होता है. इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शली और टोटली वर्ड इन द मैम्ब्रेन. ये भी सही है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इसलिए सेकेंड हमारे लिए राइट आंसर बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेलेक्ट नंबर ऑफ मिसमैच्ड पेयर.
मिसमैचिंग को सेलेक्ट करना है। एलिरोन लेयर का कनेक्शन प्रोटीन स्टोरेज से है, ये सही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का कनेक्शन सोडियम पोटेशियम पंप से नहीं है, ये एक्टिव से है, इसका मतलब है ये हमारे लिए गलत बन रहा है। ऑस्मोसिस इज ए डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज राइट। क्वासी नेचर मूवमेंट ऑफ लिपिड इन प्रोटीन, ये भी गलत हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें मिसमैच्ड को सिलेक्ट करना है, दो हैं, तीसरा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। थर्ड इज राइट। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स, निशेल पार्टिकल, माइक्रोसोम, प्लाज्मोडेस्मेटा एसोसिएट विद द राइबोसोम। राइबोसोम से जो चीज़ एसोसिएट है वो ER भी है, और इसके साथ साथ में प्रोकैरियोट वाले हिस्से में लिखा है कि राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर अटैच्ड विद द सेल मेम्ब्रेन, और इसलिए मेम्ब्रेन से भी इसका कनेक्शन बन रहा है। निशेल पार्टिकल का कनेक्शन ER से है, प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन डेस्मोटिब्यूल से है जो कि SER का पार्ट है, इसलिए हमारे लिए सेकेंड बेटर ऑप्शन है, सेकेंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्यूल प्रेजेंस इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। NCERT का स्टेटमेंट है कि जो भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें लाइट की प्रेजेंस में रहना है, और इसीलिए बियोंसी प्रोवाइड करने के लिए इनके अंदर गैस वैक्यूल होती हैं, जिसकी वजह से वाटर की अपर सरफेस पर वो पॉसिबल हैं कि स्टे कर पाएँ, और इसीलिए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड BCA, इनके अंदर गैस वैक्यूल पाई जाती है। सीधे ही हम सेकेंड को अपना बेटर आंसर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए रॉन्ग सेलेक्ट करना है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन पोरिन प्रोटीन इज द राइट। फिजियोलॉजी वाले हिस्से में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रेजेंट मोस्टली कंपोनेंट सिमिलर विद द प्रोकैरियोट, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का DNA सिमिलर है, माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम सिमिलर हैं, और भी उसके जो कंटेंट हैं वो मेजोरिटी में सिमिलर हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन प्रोकैरियोट से ही माना गया है। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन कॉल द माइटोप्लास्ट, बिल्कुल सही है। जैसे प्रोटोप्लास्ट होता है, उसकी आउटर में कवरिंग को हटा दे तो प्रोटोप्लास्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर माइटोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA कंटेन मैक्सिमम A:T। एक्चुअली किसी भी प्रोकैरियोट में जो रेशियो होता है वो G DNA के अंदर G:C मेजोरिटी में पाए जाते हैं, और इसीलिए चूंकि मेजॉरिटी में इसलिए भी यहाँ GC है क्योंकि इसका कनेक्शन प्रोकैरियोट से है, इसलिए ये फोर्थ हमारे लिए राइट आंसर बनता है, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैच द फॉलोइंग कॉलम, कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। कैरोटीनॉइड आर फैट सॉल्युबल, NCERT कहती है। एंथोसाइनिन आर वाटर सॉल्युबल, स्टोर्ड इन सेब वैक्यूल। एंथोसाइनिन स्टोर्ड इन सेब वैक्यूल एंड कंटेन जेंथोफिल। कैरोटीनॉइड्स में जेंथोफिल एंड कैरोटीन की प्रेजेंस पाई जाती है, तो ए के साथ हम फोर्थ को भी कनेक्ट कर देंगे। तो ए में आ रहा है सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ हमें नजर आ रहा है सेकेंड ऑप्शन में, इसलिए हमारे लिए सेकेंड बेटर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल रिप्रेजेंट द पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लाइसोसोम में प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम एंड ऑटो लाइसोसोम, ये चार फॉर्म पाए जाते हैं, अपने फॉर्म को वो चेंज करता है, इसी पॉलीमॉर्फिज्म बताई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, आउट ऑफ देम सम आर रिलेट विद द स्पेसिफिक फंक्शन रिप्रेजेंट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, फंक्शन मे बी एज फॉलोइंग। बढ़िया क्वेश्चन है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर बेस्ड है। इसमें कहा यह जाता है कि वो कौन सा फंक्शन हो सकता है जिससे ये सिद्ध किया जा सके, ये प्रूव किया जा सके कि हाँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में
एक से ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर्मेशन हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन आरईआर में होता है, पैकिंग उनकी गॉल्जी बॉडी में होती है, फाइनली लाइसोसोम गॉल्जी बॉडी के जरिए प्रिपेयर किया जाता है टुवर्ड्स द ट्रांसफेज। इसीलिए हमारे लिए फर्स्ट एक अच्छा आंसर है, सेकेंड उसमें नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट बोथ आर टाइप ऑफ प्लास्टिड, तो इनके लिए एक बेटर क्वेश्चन है, बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस। बिल्कुल सही, क्योंकि ये अपने ही पहले से प्रेजेंस जो सेल ऑर्गेनेल से बनते हैं। बोथ आर प्रेजेंस इन बीज, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल किसी भी प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। बोथ हैव कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया का करेक्टर है, प्लास्टिड का नहीं, इसलिए ये हमारे लिए गलत है। बोथ डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल सेल ऑर्गेनेल, बिल्कुल सही है क्योंकि इन्हें किसी अन्य सेल ऑर्गेनेल से जनरेट नहीं किया जा सकता, ये अपने ही सेल ऑर्गेनेल से डेवलप होते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोथ इज मोर परमेबल कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत है क्योंकि पोरिन प्रोटीन आउटर में होती है इसलिए वो ज़्यादा परमेबल है, इनर नहीं, तो ये हमारे लिए गलत है। बोथ आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ऑल में नहीं मिलेंगे क्योंकि एनिमल में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। हमें करेक्ट को सिलेक्ट करना है, इसका मतलब है दो हमारे लिए करेक्ट हैं, थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें डिवीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी गई है, सेल डिवीजन एनिमल में, सेल डिवीजन प्लांट के अंदर। तो साइटोकाइनिन रिप्रेजेंट सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट बनती है प्लांट सेल के डिवीजन में। साइटोकाइनेसिस रिप्रेजेंट फरो, फरो फॉर्मेशन हमें एनिमल सेल में दिखाई देता है। परफॉर्म माइटोसिस इन हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल, माइटोसिस हैप्लॉयड डिप्लॉयड में प्लांट के अंदर हो सकती है, एनिमल नॉर्मली ऐसा नहीं करते। मोस्टली सेल लैक ऑफ सेंट्रियोल, हायर प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, तो इसका भी कनेक्शन प्लांट सेल से ही जा रहा है, इसलिए हमारे लिए एक बढ़िया आंसर जो है वो सेकंड बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, केमिकली लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ फॉलोइंग, न्यू थीम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट, इनको असेंबल करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इसमें अपना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आते हैं, यानी कि बायो मॉलिक्यूल आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कुछ खास हैं, इसीलिए जो डिफरेंट लिविंग सेल हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलिज्म मेटाबोलाइट से बन सकती हैं। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये वायरस का करेक्टर है, ओबियसली है जरूर, लेकिन सभी में ऐसी नहीं है क्योंकि दूसरे कंपोनेंट भी मौजूद होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स ओनली, ये एक ऐसी कोई कंसेप्ट है नहीं। एक्चुअली कहा जाता है कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, तो इसीलिए कहा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक बेटर ऑप्शन है। प्राइमरी मेटाबोलाइट सिर्फ नहीं हो सकता क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट की भी प्रेजेंस हो सकती है। फर्स्ट इज राइट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल इन, सेल थ्योरी का कनेक्शन कहीं ना कहीं सेल से है, जबकि यहाँ हमने प्रोकैरियोट एक ऑप्शन में लिया है, प्रोकैरियोट अब प्रियोन एक ऑप्शन में है जो कि वायरस से कनेक्टेड है। प्रियोन आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे डू नॉट रिप्रेजेंट सेल थ्योरी, इट मीन्स हमारे लिए थर्ड बेटर ऑप्शन है। ईस्ट यूकैरियोटिक है, उसमें थ्योरी पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोटिक है, यूग्लिना यूकैरियोटिक है, दे रिप्रेजेंट सेल थ्योरी बट प्रियोन नॉट रिप्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर फीचर इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट, बढ़िया क्वेश्चन है। सिमिलर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हमें कलेक्ट करना है। प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन विद सिमिलर फीचर। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक कोड, ये पिछली साल की नीट के एक ऑप्शन पर बेस्ड है क्वेश्चन पर, कि जेनेटिक कोड आर
uniformly presents in all type of organism. बिल्कुल सही है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि प्रोकैरियोट में माइटोसिस मियोसिस नहीं होती है, एमाइटोसिस हो सकती है, इसलिए इस पर हम सिमिलरिटी शो नहीं करेंगे. प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यूकेरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, जबकि बैक्टीरिया में हम मीजोसोम को देखते हैं, तो यहाँ पर भी सिमिलरिटी नहीं है. केमिकल्स ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल जो हायर प्लांट में है ऑर्गेनिज्म में, उसमें मोस्टली में सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की प्रेजेंस होती है प्रोकैरियोट में, इसलिए केमिकली दे आर नॉट सिमिलर, इसलिए हमारे लिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग है. ए एंड बी ये हमारे लिए बिल्कुल सही हैं, इसलिए फर्स्ट को राइट आंसर माना गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें प्लीज. प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया कैन मेंटेन फीनोटाइप कैरेक्टर, इट मे एक्सप्लेन बाय, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक इकोलाई के अंदर एप पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर पिलाई पाई जाती है, बट जो एप नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें पिलाई एब्सेंट होता है, जो कि एप नेगेटिव हैं. लेकिन जब कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है उस कंडीशन में जो नेगेटिव हैं वो फिर से एक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनमें फिर से पिलाई की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है. इसका मतलब है कि जो पिलाई हैं वो फिनोटाइप कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एप प्लाज्मिड के जरिए कंडक्ट किया जा रहा है. इट मीन्स पिलाई फॉर्मेशन को हम अच्छे से इसके लिए यूज कर सकते हैं कि ये फिनोटाइप कैरेक्टर को एक प्लाज्मिड मेंटेन कर सकता है, तो हमारे लिए सेकेंड राइट आंसर बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेलेक्ट राइट स्टेटमेंट फॉर सेल इंक्लूजन इन प्रोकैरियोट, बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है. सेल इंक्लूजन की दो शर्तें होती हैं, नंबर वन दे आर नॉट कवर्ड बाई एनी मेम्ब्रेन, और दूसरा है कि इनको अपने सेल का रिजर्व फूड स्टोर करना है. कहा जाता है कि ये 50% से ज़्यादा एक सेल का ड्राई वेट बनाते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे दे आर कवर्ड बाई सिंगल मेम्ब्रेन पॉसिबली, ट्रू मेम्ब्रेन से कभी भी कवर्ड नहीं होते, ये हमारे लिए नहीं हो सकता. दे आर नॉन लिविंग सब्सटेंस, मे बी एज रिजर्व फूड, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लाइकोजन है, साइनोपैशन ग्रेन्यूल है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं, दे कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस. राइबोसोम इंक्लूड एज ए, नो राइबोसोम आर नॉट इंक्लूडेड, फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं हो सकता, तो हमारे लिए सेकेंड एक राइट विकल्प है, ऑप्शन है, सेकेंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोटिक सेल, अच्छा क्वेश्चन है. केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर जो फ्लेजिला का है, प्रोकैरियोट में वो फ्लेजिलिन से बने होते हैं, जबकि यूकेरियोट में फ्लेजिला ट्यूबुलिन से बने होते हैं. 9+2 अरेंजमेंट यूकेरियोट में है, जबकि प्रोकैरियोट में ये अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है, इसीलिए हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड जो ऑप्शन है वो राइट है, और इसीलिए फोर्थ हमारे लिए बेटर ऑप्शन बन रहा है. जबकि फंक्शन के बेसिस पर देखा जाए तो दोनों में ही फंक्शन सेम है, वो लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं, फोर्थ इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेल ऑर्गेनेल रिप्रेजेंट प्रोटीन फॉर्मेशन विथ डबल मैम्ब्रेन एंड कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए, रिक्वायर O2 ड्यूरिंग ATP फॉर्मेशन. ATP फॉर्मेशन के दौरान इन्हें O2 की रिक्वायरमेंट होती है, सर्कुलर डीएनए है, डबल मैम्ब्रेनस है, ओबियसली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ एक क्लू है जो राइट आंसर आपको देता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए. बाकी आपके पास कोई ऐसा विकल्प ऑप्शन नहीं है. क्लोरोप्लास्ट में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेलेक्ट मिसबेस्ड पेयर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नंबर के बेसिस पर देखा जाए तो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है, NCERT में डायग्राम भी है. छोटा जो न्यूक्लियस है वो इनहेरिटेंस करता है, बड़ा न्यूक्लियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है.
लिक्विड जो एंडो स्पर्म है कोकोनट के अंदर वो मैनी न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। सीव ट्यूब में सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसा नहीं है मैच्योर में एब्सेंट होता है। ईस्ट में सिंगल न्यूक्लियस होता है इज़ द राइट। तो हमारे लिए जो मिसमैच्ड है वो थर्ड है, थर्ड इसलिए हमारे लिए आंसर बन रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस स्पेशली वाटर। दे रिप्रेजेंट ऑस्मो रेगुलेशन इन मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा स्पेशली अमीबा पैरामीशियम एटसेट्रा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ हो सकती है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में अपनी गैस वैक्यूल होगी, साइनोबैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होगी, स्पायरोगैरा में जस्ट एक सेंट्रल वैक्यूल होती है। पैरामीशियम यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये फेज इन प्रोफेज फर्स्ट रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू द मेटाफेज। एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें कोई ऐसा फर्दर डिस्कशन नहीं है। डाइकाइनेसिस को हम ट्रांजिशन टू मेटाफेज मानते हैं मियोसिस के अंदर। सेकंड हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसी साल क्या जो पीएमटी में पी साइट एंड क्यू साइट पूछा गया था जिसका राइट आंसर मेटाफेज था, उसी पर ये फ्रेम है क्वेश्चन। वन पेटाइट पी आर्म्स एंड वन लार्ज आर्म कंटेनिंग क्रोमोसोम इज। तो वो हमारे सब मेटासेंट्रिक राइट आंसर माना गया था, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। फोर्थ इज द राइट आंसर, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्रोटीन मॉलिक्यूल मूव थ्रू द न्यूक्लियर पोर फ्रॉम। ये इंटरेस्टिंग स्टडी है, एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल मूव इन बाय डायरेक्शन। बट इंटरेस्टिंगली हम इसमें समझें कि बाय डायरेक्शन का मतलब है कि प्रोटीन और आरएनए दोनों के लिए बाय डायरेक्शन है। आरएनए कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं बनते और वो कभी भी न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब है आरएनए बाय डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है मूवमेंट। इसी तरीके से प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। इट मीन्स ये बाय डायरेक्शनल नहीं है। लेकिन बाय डायरेक्शनल जो टर्म यूज किया गया है वास्तव में वो इस सेंस में है कि प्रोटीन साइटोप्लाज्म से बन के न्यूक्लियोप्लाज्म में जाती है और न्यूक्लियोप्लाज्म में बने हुए आरएनए एग्जैक्टली वो साइटोप्लाज्म में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रोटीन के मूवमेंट की बात करी गई है। तो मेरा जो राइट आंसर बनता है वो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जायगोटिक मियोसिस फाउंड इन फॉलोइंग। जायगोटिक मियोसिस एनसीईआरटी बेस ये स्टडी है। थैलोफाइटा का यूनिक करेक्टर है, जो मेंबर इसमें थैलोफाइटा के होंगे और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें ये प्रोसेस जरूर हमें देखने को मिलेगी। अल्टरनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन हमारे लिए नहीं बन सकता। रिक्सिया एक ब्रायोफाइट का मेंबर है, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं बन सकता। एस्परजिलस एक फंगस है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जायगोटिक मियोसिस भी, उसके बेसिडियम रीजन में उसके फ्रूटिंग बॉडी यानी कि एस्कोकार्प में बनता है होता है। क्लेमाइडोमोनास में भी हमें जायगोटिक मियोसिस मिलती है। थर्ड हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन है यहाँ पर, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अमीनो एसिड मैक्सिमम प्रेजेंस इन हिस्टोन प्रोटीन। इसी की वजह से उसका नेचर डिसाइड होता है कि एसिडिक होगी या बेसिक होगी। यहाँ पर आर्जिनिन एंड लाइसिन एनसीईआरटी बेस्ड इंफॉर्मेशन है, दे आर मोस्टली प्रेजेंस इन हिस्टोन प्रोटीन और इसीलिए हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन है। सीधे ही फोर्थ ऑप्शन पर हम चलेंगे, राइट आंसर है वो। इसी की वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज और वो बेसिक नेचर की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सेलेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन है। सेलेक्ट आरआरएनए व्हिच इज नॉट प्रिपेयर इन न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस में आरआरएनए वही बनते हैं जिनका कनेक्शन यूकेरियोटिक सेल से होता है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो 23S आरआरएनए ये 70S का राइबोसोम है जो राइबोजाइम की तरह वर्क करता है। ये प्रोक्रियोट से भी कनेक्टेड है, प्रोक्रियोट में न्यूक्लियोलस नहीं होता है इसलिए वहाँ साइटोप्लाज्म में ही इसका फॉर्मेशन होता है।
ऐसे ही माना जा सकता है कि न्यूक्लियस में इनका फॉर्मेशन नहीं होगा, वो हैं 23 sRNA, दे आर प्रिपेयर्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट pH 5, एसिडिक नेचर में ये एक्टिवेट होते हैं, बिल्कुल सही है, बट इनका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जरिए ये बनते हैं, तो इनका सीधा फॉर्मेशन हमें RER पर मिलता है। RER में प्रिपेयर होते हैं, गॉल्जी बॉडी में मॉडिफिकेशन होता है, एंड फाइनली दे आर पैक्ड इनसाइड द वेसिकल विच इज ऑल्सो एक्ट एज ए लाइसोसोम, और इसीलिए वहाँ पर ये पैक्ड होते हैं, लेकिन फॉर्मेशन RER में होगा। हमारे पास जो विकल्प है उसमें ER हमें बेहतर आंसर है, जो एक्सप्लेन करता है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस मेनली कंप्लीटेड बाय, अच्छा क्वेश्चन है, पेरोक्सिसोम एंड SER। प्लास्टिड का डिटॉक्सिफिकेशन से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ सेंट्रोसोम और राइबोसोम में भी कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का कोई कनेक्शन नहीं है। पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम किडनी में डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, खासतौर से एनिमल के केस में। SER लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस का। हमारे पास फर्स्ट राइट आंसर है, बेहतर विकल्प है, हमें फर्स्ट ही सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ रूट्स ऑफ पाइनस कंटेन 14 क्रोमोसोम एंड मेज कंटेन 20 क्रोमोसोम इन रूट्स, देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंस इन एलुरॉन लेयर, एलुरॉन लेयर एक्चुअली एंडोस्पर्म की आउटर सरफेस पर प्रेजेंस होती है, दिस इज 3N एंड स्पेशली फाउंड इन मेज, इसीलिए हम कह सकते हैं पाइनस का इसका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। मेज के अंदर जो क्रोमोसोम है उनके बेसिस पर आपको 3N कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पर मेज के अंदर 20 क्रोमोसोम की बात करी गई है, और इसीलिए 3N कंडीशन में वो 30 क्रोमोसोम बनेंगे, इसीलिए हमारे पास जो विकल्प है वो है फर्स्ट, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड ऑन एंजाइम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब है CONH, दे आर प्रिपेयर्ड बिटवीन अमीनो एसिड 1 एंड अमीनो एसिड 2, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज नेसेसरी फॉर पॉलीपेप्टाइडल चेन फॉर्मेशन, दे प्रिपेयर्ड बाय एमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दे रिलीज वाटर एंड प्रिपेयर CONH पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो प्रोसेस है ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट पर होती है ड्यूरिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन, इसीलिए हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन है, वो है थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी के लिए हमें गलत सेलेक्ट करना है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, अभी रिसेंटली नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सही है, NCERT के गॉल्जी बॉडी में लास्ट लाइन में ये लिखा भी है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो भी सब्सटेंस मॉडिफाई होते हैं उनका पैकिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है गॉल्जी बॉडी में, वो कहीं ना कहीं ER में प्रिपेयर किए जाते हैं, तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ग्लाइकोप्रोटीन के लिए उसे गॉल्जी बॉडी नहीं बनाएगा बल्कि उसे RER बनाएगा, ये यहाँ रॉन्ग बनता है। कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल समझने लायक स्टेटमेंट है, एक सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, और जो गॉल्जी बॉडी की पोजीशन होती है वो पोलरिटी में कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती है। कॉन्सेंट्रिकली का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो गॉल्जी बॉडी आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस तरीके से यहाँ पर जनरेट होंगे, अरेंज होंगे कॉन्सेंट्रिकली, देयर ट्रांस फेस प्रेजेंस टुवर्ड्स द पेरीफेरी एंड सिस फेस प्रेजेंस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये इस तरीके से कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ गॉल्जी बॉडी प्रेजेंस इन रूट कैप, बिल्कुल सही है।
हमारे लिए राइट आंसर यहाँ रॉन्ग जो बन रहा है वो सेकेंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट ए क्रिटिकल आयन लेवल. तो वो एम जी है. एम जी का कंसंट्रेशन 0.001 इज नेसेसरी फॉर असेंबलिंग ऑफ बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. इफ कंसंट्रेशन डिक्रीज फ्रॉम दैट कंसंट्रेशन देन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. इफ कंसंट्रेशन ऑफ एम जी इंक्रीज 10 times मोर देन बोथ राइबोसोम आर अटैच्ड विद सब यूनिट एंड दे कन्वर्ट इन डाइमर्स. मीन्स एम जी का जो कंसंट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए. ये मिनरल्स वाले हिस्से में भी लिखा हुआ है एम जी की लास्ट लाइन में. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. साइटोप्लाज्मिक रेटेंट प्रोसेस रिलेट विथ, नो डाउट ये इनहेरिटेंस रिलेट करता है, लेकिन एक नियम है कि जहाँ डीएनए होगा वहाँ जीन होगा, वहाँ कैरेक्टर होगा. क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में है, इनके अंदर खुद के डीएनए हैं, मींस इनके खुद के जीनोम हैं, जीन हैं, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म के थ्रू भी इनहेरिटेंस हो कर सकते हैं. इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है और हमारा फर्स्ट राइट आंसर बनता है, क्योंकि ईआर पर डीएनए नहीं है, गोल्जी बॉडी पर डीएनए नहीं है, न्यूक्लियस में डीएनए है लेकिन वो मैन इनहेरिटेंस को करेगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं. फर्स्ट इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज. इंटरफेज के लिए सही गलत को चुनना है. अकर्स बिटवीन G1 G2 बिल्कुल सही. डीएनए रेप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस सही है. सेंट्रल डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म सही है. डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन इंटरकाइनेसिस नहीं, इंटरकाइनेसिस में नहीं होता है. फोर्थ इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कोल्चिसिन. कोल्चिकम ऑटोमोनेल एक प्लांट है लिलिएसी का जो कोल्चिसिन को प्रोड्यूस करता है. ये मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोक देता है, इसीलिए हम इसे माइटोटिक पॉइजन कहते हैं सीधे सीधे ये. लेकिन हमें नॉट करेक्ट पूछना है. नॉट करेक्ट का मतलब है कि ये डिग्रेड कभी भी क्रोमोसोम को नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे लिए सेकेंड एक बेहतर ऑप्शन है. सेकेंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ. इसमें कोई भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है. ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, सेंट्रियोल इन्हें बनाते हैं. थर्ड इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड हैंड सेपरेट द क्रोमेटिड्स अकर्स ड्यूरिंग. बिल्कुल ठीक है. एनाफेज ऑफ माइटोसिस में इस सेंट्रोमियर रेप्लिकेट होते हैं. इधर एनाफेज सेकेंड में भी सेंट्रोमियर रेप्लिकेट होते हैं, तभी जो क्रोमोजोम है वो सेपरेट होते हैं. तो हमारे लिए बेहतर जो विकल्प है वो फोर्थ है, फर्स्ट एंड थर्ड. सेकेंड क्वेश्चन प्लीज. इफ द गैमिट आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिडक्शन डिवीजन देन दे टर्म एज मियो गैमिट्स कहलाएंगे. इसमें कोई डाउट नहीं है. फोर्थ इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज परफॉर्म्ड बाई द फॉलोइंग एंजाइम. ये अच्छा क्वेश्चन है. क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि डीएनए को कट भी होना है और डीएनए को असेंबल भी होना है बोथ पेरेंटल जो क्रोमेटिड्स हैं उनके ऊपर क्रॉसिंग ओवर के दौरान. इसीलिए एंड न्यूक्लियस ब्रेक करेगा, लाइगेज उसे असेंबल करेगा. फोर्थ इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सिलेक्ट सिमिलर स्टेटमेंट फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस. मियोसिस माइटोसिस के लिए क्या सिमिलर है. बोथ रिप्रेजेंट डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस. बिल्कुल सही है, दोनों में होता है. बोथ इंक्लूड सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम. नहीं, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं पाए जाते. बोथ रिप्रेजेंट रिडक्शनल डिवीजन. नहीं, माइटोसिस इज ए इक्वेशनल डिवीजन. फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट प्लीज. मियोसिस डज नॉट अकर इन. बिल्कुल, मियोसिस माइटोसिस प्रोकैरियोट में नहीं होती. इट मींस बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट एज वेल एज नोस्टॉक ऑल्सो प्रोकैरियोट. बोथ आर नॉट रिप्रेजेंट मियोसिस. फोर्थ इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट वन इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स
have cis and trans phase. जो Golgi body होते हैं उनका जो towards the nucleus phase होता है वो actually कहलाता है cis phase, and जो towards the periphery होता है वो कहलाता है trans phase. और इसलिए सही है. Second है lysosome prepared at trans phase. तो कहा जाता है यहाँ से जो budding की process होती है इसी process से lysosome का formation होता है, वो भी trans phase पर हो रहा है. तो both are correct. Second हमारे लिए better option है. Next question please. If you remove the fimbriae from the bacterial cell, which of the following event is affected? बिल्कुल सही है. Fimbriae is responsible to attachment of bacteria with any substratum and host. It means इसका attachment host से affect होगा. Second is the right answer. Other are not connect with fimbriae. Next question please. Bacteria are classified in gram positive, gram negative on the basis of. Actually, gram positive, gram negative bacteria membrane, cell wall और glycocalyx तीनों पर based हैं. But actually तीनों को ही हम combinedly envelope कहते हैं. इसलिए हमारे लिए fourth एक better option है, right answer है. Next question please. Ominous cella, cella, NCRD based information है. अच्छा question है, कई बार पूछा जाता है, संभावना बहुत ज़्यादा है. Rodolphe Virchow ने इसे दिया है. Third is the right answer, no doubt. Next. ये एक अच्छा question है. Figure of the cork cell, जो कि Robert Hooke ने सबसे पहले कुछ chamber like structure देखे थे, कुछ रूम लाइक इंडिपेंडेंट यूनिट देखी थी, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखे थे. उन्होंने सेलुला नाम दिया था इनको, सेलुला, जो जिसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो उन्होंने अपनी एक किताब में दिया था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया. अच्छा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हमें याद रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेलेक्ट मिसबैलेंस्ड पेयर contractile vacuole excretion. बिल्कुल सही है. Plasmodesmata का protection से कोई connection नहीं है. Mismatched है तो हमें answer मिल चुका है. Alloroplast maze में पाया जाता है. Cell wall mechanical support करता है. Second is the right answer because it is mismatched. Next question. Different color in plant may produce by anthocyanin, which is soluble in water. ये एक question में और भी पहले information दी जा चुकी है. First is the right answer. Next question please. Head region of phospholipid is polar due to presence of. Bilkul acha hai. New framing question hai. Phosphate group jo uske head region mein paya jata hai, uski wajah se isme polarity observe ki jati hai. Second is the right answer. Next question. Proto-9 require carrier proteins in membrane during the डिफ्यूजन विकॉज. बिल्कुल सही है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हैं, ये नॉन पोलर रीजन में गुजर नहीं सकते, पास आउट नहीं हो सकते, इसलिए इनको कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी. ये हमारे पास एक फर्स्ट बेटर ऑप्शन है. पोलरिटी ऑफ हेड फॉस्फोलिपिड प्रेजेंस ऑफ इंट्रेंसिक प्रोटीन. इंट्रेंसिक प्रोटीन है लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है, क्योंकि वो गुजर नहीं सकते इसीलिए उन्हें कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है. ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड पेरिफेरल रीजन में है, इंटरनल डिफ्यूजन से कोई लेना देना नहीं है. फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन 1972 में ये मॉडल दिया गया है सिंगर एंड निकोलसन के जरिए. इसके बाद में अभी तक जो NCRD है और दूसरी मॉडर्न किताबें हैं उसमें कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है, इसीलिए इसी को फ्लूइड मोजाइक मॉडल को मॉडर्न एंड लेटेस्ट मॉडल माना जाता है. दिस इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्यूल, और इसी से दोनों से मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया बना. ये टर्म देने वाला साइंटिस्ट था सी बेंडा, और सी बेंडा ने ये टर्म दिया था 1898 में. और इस तरीके से हम ऑब्जर्व करें तो ये एक बेटर क्वेश्चन है. माइटोकॉन्ड्रिया पर बियॉन्ड द NCERT भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये एक बेंडा बेटर
क्वेश्चन बन सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ग्लायोक्सिसम इज सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, इट परफॉर्म ग्लायोक्सोम स्पिरोसोम, इनका कनेक्शन है फैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से. तो ऑब्वियसली हमारे पास सीधा ऑप्शन जो राइट है वो थर्ड आता है, बाकी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है. थर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच फेज ऑफ माइटोसिस एसेंशियल द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर चेंजेस. ऑब्वियसली जो प्रोफेज होती है उसमें लेट प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, क्रोमोसोम का कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन फास्ट लेवल पर चलता है. तो जब ये प्रोसेस टीलोफेज में पहुंचती है तो वहाँ ये सब कुछ रिवर्स होने लगता है, रीअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. थर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. पोलर नेचर इज प्रेजेंस इन फॉलोइंग. बिल्कुल ठीक है, अभी अभी मैंने एक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन किया था कि जो गॉल्जी बॉडी हैं वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं. देयर सिस फेस ऑलवेज अरेंज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड ट्रांस फेस अरेंज टूवर्ड्स द पेरिफेरल रीजन, मीन्स दे रिप्रेजेंट पोलरिटी एंड फॉस्फोलिपिड ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल. दे आर हेड प्रेजेंस टूवर्ड्स द पेरिफेरल रीजन एंड प्रेजेंस टूवर्ड्स द इनर साइड, मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर एंड अदर आर नॉट रिप्रेजेंट राइट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विदाउट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल यूज टू प्रिपेयर बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेला. बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेला सेंट्रोसोम बनाता है, खासतौर से सेंट्रियोल से. एनसीईआरटी ने सीलिया फ्लैजेला वाले हिस्से में लिख रखा है कि बेसल ग्रेन्यूल ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला आर प्रिपेयर्ड बाई सेंट्रियोल, मीन्स सेंट्रोसोम इज द राइट आंसर बिकॉज टू सेंट्रियोल आर प्रेजेंस इन सेंट्रोसोम. थर्ड इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेल ऑर्गेनेल प्रिपेयर्ड बाई आर ई आर. अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रोकैरियोट से क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बने, और जो यूकेरियोटिक सेल में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल थे उन सब का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ई आर ने किया था थ्रू द डी नोवो ओरिजिन. तो इसीलिए कहा जाता है कि पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन खास तौर से, जिसमें कि एंजाइम प्रेजेंस होते हैं, एसईआर का फॉर्मेशन आरईआर के जरिए होता है. ग्लायोक्सिसोम का फॉर्मेशन एसईआर से बताया जाता है, आरईआर से नहीं. यहाँ लाइसोसोम का फॉर्मेशन गॉल्जी बॉडी से कनेक्टेड है. सेंट्रोसोम कभी भी किसी दूसरे से बनते नहीं हैं, वो सेल ऑर्गेनेल से ही बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनेल से ही बनते हैं. सेकेंड हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन बन रहा है. सेकेंड इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, ये कैसा है, ये क्वासी नेचर है. क्वासी नेचर कई बेसिस पर प्रूव हो चुका है. जो फ्लूइडिटी है वो है सेल डिवीजन, एंडोसाइटोसिस, सेल जंक्शन, ग्रोथ ऑफ सेल. तो इस तरीके से क्वासी एक बेटर ऑप्शन है हमारे पास. सेकेंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. पोरिन प्रोटीन इन आउटर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंस इन फॉलोइंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इवन बैक्टीरिया में भी आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन होती है. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. थर्ड इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंस इन फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल. लाइसोसोम में आरएनए प्रेजेंस नहीं है, ईआर में आरएनए की प्रेजेंस नहीं है, प्लास्टिड राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए की प्रेजेंस है, और इधर देखा जाए तो जीवी के अंदर, गॉल्जी बॉडी के अंदर नहीं है. थर्ड हमारे राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विदाउट मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला इज नॉन एज, ये एनसीईआरटी में डिस्क्राइब है, इसे हम एक्सोनेम कहते हैं. ये अच्छा क्वेश्चन है, वजह है कि अभी नीट ने इस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, और ये यूनिक अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है. मे बी पॉसिबल कि ये आने वाले एग्जाम में मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेलेक्ट राइट स्टेटमेंट फॉर द हैप्लॉइड फोर सेल प्रिपेयर्ड आफ्टर मियोसिस सेकेंड. बढ़िया क्वेश्चन है.
जो सेल गैमीट बनते हैं वो कभी भी जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं, जेनेटिकली वेरिएबिलिटी शो करते हैं। इवन टू जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेंट एंड टू पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, बट देयर आर फिनोटाइप आर सेम। इसलिए हमारे पास सेकेंड इसके लिए बेटर ऑप्शन है और सेकेंड ही यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नॉर्मली सेल्स आर अरेस्टेड इन G0 फेज। इसी साल नीट का क्वेश्चन था। अच्छा है, इस पर G0 पर हमेशा क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं। हार्ट सेल रहती है प्लस परमानेंट सेल्स और ऑल्सो अरेस्टेड ऑन G0 फेज एंड दे मे एक्टिवेटेड ऑन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्मेशन। RBC में न्यूक्लियस है ही नहीं, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है। यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम का BBS जीरो पर अरेस्टेड नहीं होंगे। फर्स्ट हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। NCRT में लिखा है कि पेरिफेरल प्रोटीन और इंटरनल प्रोटीन जो है वो किस पर डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, तो ईज ऑफ एक्सट्रक्शन। पेरिफेरल प्रोटीन में इजीली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस व्हाइल द इंटेग्रल कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इजीली। देयरफॉर फर्स्ट इज द राइट आंसर, नो एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल अच्छा है। NCRD में डायग्राम है, उसमें हम देखें तो फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस कुछ इस तरीके से है। इनके बीच में यहाँ पर हमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल नज़र आते हैं, इसीलिए बिटवीन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कहना ज़्यादा सही है। सेकेंड हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें रॉन्ग को सेलेक्ट करना है। रिक्वायर्ड ATP बिल्कुल सही है। रिक्वायर कैरियर प्रोटीन यस। सेचुरेशन शो करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें कैरियर प्रोटीन है, एक लिमिट तक ही सब्सटेंस को पास आउट करा सकती है। लेकिन ये अपहिल मूवमेंट होता है, फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई होता है, बट नॉट डाउनहिल मूवमेंट आकर्स इन डिफ्यूजन प्रोसेस। इसका मतलब है एक्टिव के लिए ये गलत हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर भी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स। नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूब्यूल, NCRD में लिखा है। कंटेन राइबोसोम, RER की ओर जा रहा है। प्रेजेंस ऑफ सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी में पाए जाते हैं, प्लस यहाँ ER में भी पाए जाते हैं। RER हमारे पास बेटर आंसर है, नो एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्जी बॉडी आर क्लोजली एसोसिएट विथ ER। ये क्वेश्चन दिमाग में रखने लायक है। क्यों क्लोजली एसोसिएट रहते हैं? कहा जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं RER। गोल्जी बॉडी भी कॉन्सेंट्रेटली अरेंज होते हैं नियर द न्यूक्लियस, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑल दोज सब्सटेंस विच आर मॉडिफाई पैक्ड एंड सिक्रीट वॉज द एनी टारगेट पॉइंट्स फ्रॉम गोल्जी बॉडी, बट दीज केमिकल्स आर प्रिपेयर्ड इनसाइड द ER। इट मीन्स हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर बनता है। गोल्जी बॉडी प्रिपेयर सेल प्लेट, ठीक है, लेकिन एसोसिएशन को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फ्रेग्मोप्लास्ट से कनेक्टेड है। गोल्जी बॉडी हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऐसा नहीं है, क्योंकि फूड मटेरियल आउटर सरफेस से आता है। ER कनेक्टेड ये भी ठीक है, लेकिन एक दूसरे के रिलेशंस को शो कर रहा है, वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्लाज्मिड, ये NCRD की लाइनें हैं एज इट इज। प्लाज्मिड आर, अगर हम प्लाज्मिड यहाँ फिट करते हैं तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए ही आपको क्लू दे रहा है कि दिस इज द प्लाज्मिड इज द राइट आंसर, नो एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्रोकैरियोट सेल आर जनरली, ये स्मॉलर हैं बट रिप्रेजेंट फास्टर मूवमेंट, लाइक ईच बैक्टीरिया में डिवाइड विद इन 20 मिनट्स। ये बहुत तेज़ी से डिवाइड हो सकते हैं, इसीलिए हम फर्मेंटर्स में, बायो फर्मेंटर्स में इन्हीं के जरिए प्रोडक्ट बनाते हैं। से थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट,
क्या करेक्ट है? माइकोप्लाज्मा ग्राम नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो ये गलत हो रहा है। एस्चेरिचिया कोलाई ग्राम नेगेटिव है, यस। माइकोप्लाज्मा इकोलाई बोथ हैव सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा पर सेल वॉल नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। ओनली सेकेंड इज द राइट आंसर, मीन्स सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड क्वासी फ्लूड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, एंडोसाइटोसिस, ये दो बेहतर विकल्प हैं और इसके अलावा भी हैं, सेल जंक्शन है, सेल ग्रोथ है, ये सब चीज़ें भी हैं, सिक्रीशन भी है, तो इसीलिए हमारा फोर्थ एक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ, किस तरीके से अरेंज होते हैं? पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर, बिल्कुल गलत हो गया। बोथ हेड एंड टेल टुवर्ड्स द आउटर सरफेस, बिल्कुल गलत है। हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, बिल्कुल सही है। और टेल टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, थर्ड नो डाउट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में किया गया है, जहाँ पर कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स को सेपरेट किया गया है क्लोरोप्लास्ट के, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं, तो इसमें अल्कोहल का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसीलिए हमारे पास फोर्थ राइट आंसर बनता है, ये याद रखने की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिप्रेजेंट कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसमें कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, फोर्थ इज द राइट आंसर, एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड वेरी हो सकता है डिफरेंट सेल के अंदर, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, ये ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन में होता है, बिल्कुल सही है। अरेंजमेंट पर जब बात करी जाए तो अरेंजमेंट प्रोटीन लिपिड, लिपिड एंड प्रोटीन होता है, इसीलिए हमारे पास जो रॉन्ग बना है, इनकरेक्ट बना है, वो थर्ड है। हेड ऑफ द लिपिड इज हाइड्रोफिलिक, बिल्कुल सही है, थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन प्रोवाइड द सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ आयंस, आयंस की परमेबिलिटी डिसाइड करेगा, क्योंकि चैनल प्रोटीन, तो चैनल प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के, तो थर्ड हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल, दिस मीन्स दैट इज, इसका क्या मतलब है? अलाउ ऑल मटीरियल, नो। अलाउ ओनली वाटर, दिस इज नो। अलाउ ओनली सर्टेन मटीरियल टू पास थ्रू, क्योंकि इसमें से दूसरे मटीरियल भी जाते हैं वाटर के साथ में, तो थर्ड इज द राइट आंसर, सिलेक्टिवली परमेबल नेचर होने के नाते, अगर सेमी परमेबल होता तो फिर वाटर की बात होती, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनेल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वही होते हैं जो डीनोवो नेचर शो करते हैं, ईआर से गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी से लाइसोसोम, बट माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट प्रिपेयर थ्रू द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और ये एक इंडिपेंडेंट सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, और इसीलिए फोर्थ इज द राइट, बिकॉज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेल विच इज वेरी एक्टिव इन द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द प्रोटीन वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, इसमें सिंथेसिस भी प्रोटीन का हो रहा है, सिक्रीशन भी हो रहा है, ओब्वियसली जहाँ पर भी सिंथेसिस होगा प्रोटीन का, आर ई आर वहाँ पर ज़्यादा होंगे देन द एस ई आर, राइट आंसर हमारा यही बनता है, बाकी इतने अप्रोप्रिएट नहीं है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनेल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब फैटी सब्सटेंसेस की ओर जा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एस ई आर एक अच्छा विकल्प है, थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
These are the densely stained reticular structure present near the nucleus. Presence near the nucleus का मतलब ये गोल्जी बॉडी की ओर कंसेप्ट जा रहा है. और इनमें जो सिस्टर्नी का डायमीटर है ये एनसीईआरटी में डिजिट दी गई है, तो इसलिए गोल्जी एपरेटस हमारे पास एक अच्छा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है. माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. यहाँ मैं बता दूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए सेटिस्फेक्शन जो स्टेन किया जाता है वो है जेनस ग्रीन बी. ये वो स्टेन है जिसके जरिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं और उसके बाद माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, तब ये हमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, रॉड लाइक. फिजियोलॉजिकल एक्टिव सेल्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल. बिल्कुल सही है, जिसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो ज़्यादा एक्टिव होगी. ये सही है, ये भी बिल्कुल सही है. माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल, डीएनए आरएनए राइबोसोम होते हैं, लेकिन ये बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते. ये सेमी ऑटोनॉमस हैं, ये ऑटोनॉमस नहीं हैं. ये बाहर के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे रिक्वायरमेंट सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल डीएनए ऑफ ए सेल, और इसीलिए आउटर सरफेस पर सर्वाइव होना पॉसिबल नहीं है. फिजन के जरिए ये डिवाइड होते हैं, इसीलिए थर्ड हमारे पास इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ऑल प्लास्टिड हैव द एसेंशियल द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज, ये अच्छा है, बिकॉज ऑल प्लास्टिड आर इंटरकन्वर्जेबल. जैसे अपन देखते हैं एक पत्ती पहले रेड होती है फिर बाद में ग्रीन होती है. जो भी फ्रूट हैं जैसे टमाटो हैं इनिशियली वो ग्रीन होते हैं देन वो रेड हो जाते हैं. इट मीन्स प्लास्टिड आर इंटर कन्वर्जेबल. क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, तो इसका मतलब है इनका इनिशियल जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा. अपने पास थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. वन टाइप ऑफ प्लास्टिड मे चेंज इन अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. थर्ड इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिप्रेजेंट डी नोबो. एनसीईआरटी ने शब्द यूज किया है डी नोबो. जहाँ एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की है वहाँ इसका डी नोवो टर्म यूज किया है. डी नोवो का मतलब है कि नए सिरे से किसी चीज़ का फॉर्मेशन. तो नॉट रिप्रेजेंट, तो हमारे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी डी नोवो ओरिजिन शो नहीं करते. दे ऑलवेज प्रिपेयर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट इज द राइट आंसर नो डाउट, बाकी डी नोवो शो कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इज इनकरेक्ट फॉर सेंट्रियोल. सेंट्रियोल के लिए गलत क्या है. बोथ द सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाए परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बिल्कुल सही है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं. सेंट्रल प्रोटीन हब इज एबसेंट इन सेंट्रोल. ये गलत हो गया क्योंकि सेंट्रियोल सेंट्रल हब तो है, उससे नाइन स्पोक अटैच होते हैं. हमारे रॉन्ग जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकेंड है, बाकियों में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो सेकेंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. क्रोमेटोफोर, ये अच्छा क्वेश्चन है. क्रोमेटोफोर एनसीईआरटी बेस्ड है. क्रोमेटोफोर और फोटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट्स, इसमें हम एडिशन कर सकते हैं. ये बीजी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, इनमें क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं. सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर लाइट के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो लाइट रिएक्शन को शो करते हैं. ऐसे ही हमारे क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेना से रिजेम्बलेंस शो करेंगे, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पेरोक्सिसोम. पेरोक्सिसोम के लिए क्या सही नहीं है. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल और नील बिल्कुल सही है. फोटोरेस्पिरेशन C3 में करते ही हैं. टेक पार्ट इन द स्टोरेज ऑफ लिपिड, ये गलत हो गया क्योंकि इनका डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, H2O2 रिएक्शन का काम है. इनमें स्टोरेज लिपिड का नहीं होता, लिपिड में ग्लाइकोसोम और स्पिरिसोम को इंगेज किया जाता है. थर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट प्लीज. सेलेक्ट द करेक्ट मैच क्वेश्चन फेज
जी1 में आती है, जी2 में नहीं। सिंथेसिस हम एस को कहते हैं, जी1 को नहीं। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग एनाफेज, ये बिल्कुल सही है। कंडेंसेशन टेलोफेज में, बल्कि डिकंडेंसेशन होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। थर्ड इज द राइट आंसर, नो डाउट ये करेक्ट मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फ्रेग्मोब्लास्ट, फ्रेग्मोब्लास्ट के लिए कहा जाता है, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर एंड गोल्जी बॉडी, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर सेल प्लेट, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए के रिस्पॉन्सिबल हैं, और ओबियसली उसके ऊपर सेल वॉल बनती है। ये प्रोसेस साइटोकाइनेसिस के दौरान खासतौर से प्लांट में होती है। थर्ड इज द राइट आंसर, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम डुप्लीकेट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन है कि इसे हम कहते हैं एंडोमाइटोसिस, जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिवाइड नहीं होती है, बस क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एट विच स्टेज द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यू टू द रिपल्सन बट एट येट हेल्ड बाई द क्यास्मेटा, बिल्कुल अच्छा है, एनसीईआरटी में है इसकी इंफॉर्मेशन। ये काम डिप्लोटीन फेज में होता है, क्योंकि वहाँ पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो जाते हैं, स्टिल क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जो अटैच्ड नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमेटिड हैं वो अभी भी क्यास्मेटा के जरिए जुड़े रहते हैं। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हेल्प ड्यूरिंग, क्रोमोसोम का नंबर कब रिड्यूस होता है, मियोसिस फर्स्ट में होता है, इसीलिए हम इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। नो डाउट थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फोर डिफरेंट स्टेप दैट अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस, इनमें से एक सिक्वेंस अरेंज करनी है। तो यहाँ पर है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, ये लास्ट में आएगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अरेंजमेंट ऑफ पेयर क्रोमोसोम ऑन एक्वेटर, ये मेटाफेज की है, क्रॉसिंग ओवर। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ये रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा, सेकंड ये रहेगा, और उसके बाद में मेटाफेज वाली कंडीशन में थर्ड में ये रहेगा, एंड फोर्थ कंडीशन में हम इसे मानेंगे। तो सेकंड, उसके बाद में हमें ये फोर्थ मिल रहा है, तो हमारे पास अभी सीधा विकल्प ये बन रहा है, थर्ड इज़ द राइट आंसर, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इन एनिमल में मियोटिक डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, दिस गैमेटिक मियोसिस रिजल्ट इन, प्लांट की बॉडी भी डिप्लॉयड होती है, हायर एनिमल्स की भी ऐसी होती है, और ये कुछ ना कुछ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से मैच कर रही है, इसीलिए ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमारे पास बेहतर ऑप्शन है। हैप्लॉन्टिक ये जो होती है वो जिनकी बॉडी हैप्लॉयड होती है, ख़ासतौर से एल्गी में, वहाँ पर हमें मेजोरिटी में देखने को मिलता है। तो हमारे पास एक जो राइट आंसर बनता है वो सेकेंड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द माइटोसिस, माइटोसिस में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर फीचर्स पास आउट होते हैं डॉटर सेल्स में, ये वेरिएबिलिटी शो नहीं करती है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर इवेंट हमें नहीं मिलेगी, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस, मियोसिस के लिए गलत क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यस बिल्कुल सही है, फोर हैप्लॉयड सेल आप फॉर्म, बिल्कुल सही है, एट द एंड ऑफ द मियोसिस नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ, टू साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, नो, एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो भी आपके इंटरफेज फर्स्ट में, इंटरकाइनेसिस में ये प्रोसेस नहीं होती है, इसीलिए फोर्थ हमारे पास ये रॉन्ग स्टेटमेंट हमें मिल रहा है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज, G1 के लिए क्या करेक्ट है, सेल्स इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ये गलत है, डीएनए इन द
सेल डज नॉट रेप्लिकेट, हाँ डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, जीवन में नहीं होता है, ये रही सही बनना है। इट इज़ नॉट ए फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, जबकि बनते हैं। यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, स्टॉप ग्रोथ, ग्रोइंग नहीं, ग्रोथ होती रहती है। सेकेंड इसके लिए हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सिमिलर फीचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेजिला एंड सेंट्रियोल, अच्छा क्वेश्चन है, न्यू फ्रेमिंग क्वेश्चन है। दोनों में यहाँ फ्लेजिला का जो पार्ट है और सेंट्रियोल का जो पार्ट है वो दोनों ही ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। अगर हम इस उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 9+2 रेशो जो है वो फ्लेजिला का है, लेकिन सेंट्रियोल में वही रेशो 9+0 होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये 9+2 के बेसिस पर नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन सेंट्रियोल में नहीं है, फ्लेजिला में है। बोथ आर फाउंड इन प्रोकैरियोट, बिल्कुल गलत है, प्रोकैरियोट में नहीं प्रेजेंस होते हैं। सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज नॉन हैज, ओबियसली सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट है वो हब कहलाता है, जो कि सेंट्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इससे 9 रेडियल स्पॉक ट्रिपलेट ट्यूब्यूल को कनेक्ट करते हैं। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए गलत क्या है। आप देखें राइबोसोम फैक्ट्री, बिल्कुल बनते हैं राइबोसोम, फिर आता है प्रिपेयर एनओआर इनसेट क्रोमोजोम, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन एनओआर का फुल फॉर्म है। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है वही एनओआर भी कहलाता है, इसका कनेक्शन न्यूक्लियोलस से है। और डुप्लीकेट इन एस फेज, एस फेज में सेंट्रोसोम रेप्लीकेट होता है, न्यूक्लियोलस नहीं, इसलिए इनकरेक्ट पूछा है। तो हमारे पास आंसर के तौर पर थर्ड एक बेहतर विकल्प है, इसलिए थर्ड को ही आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इंक्लूजन ऑफ प्रोकैरियोट सेल रिप्रेजेंट स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, तो ऑब्वियसली सब्सटेंस का स्टोरेज जो करने जा रहे हैं वो ग्लाइकोजन पार्टिकल हैं, जो ग्लाइकोजन को करेंगे फॉस्फेट पार्टिकल, इन्हें हम वॉलेटिन पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये दोनों कहीं ना कहीं सब्सटेंस के स्टोरेज से रिलेट कर रहे हैं, वहाँ पर गैस का स्टोरेज होता है, लेकिन एग्जैक्टली जो सब्सटेंस है, जो रिजर्व फूड है, वो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इन केस ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम द आर्म्स अरेंजमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेंट्रोमियर, वन इज वेरी शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट का मतलब है कि एक्रोसेंट्रिक की ओर बात कर रहा है। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। टर्म क्रोमेटिन एनसीईआरटी बेस्ड इंफॉर्मेशन है, अच्छा क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के जरिए ये क्रोमेटिन टर्म दिया गया है, कलरिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें क्रोमेटिन कहा जा रहा है, जो कि इंटरफेज में हमें मिलते हैं, ये हिट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन के फॉर्म में होते हैं। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट माइक्रो बॉडी फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, अच्छा क्वेश्चन है। प्लांट और एनिमल के अंदर दोनों में माइक्रो बॉडी कौन सी पाई जाएगी, ये है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम C3 प्लांट में फोटोरेस्पिरेशन करता है, जबकि किडनी के अंदर एनिमल्स में ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, इसीलिए पेरोक्सिसोम इज द राइट आंसर। स्पिरोसोम और ग्लाइक्सोसोम का कनेक्शन हायर प्लांट में भी, खास तौर से जहाँ फैट स्टोरेज होता है वहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द सेटेलाइट रीजन ऑफ द क्रोमोजोम, एनसीईआरटी में लिखा है, नॉन स्टेन पार्ट है ये, इन्हें हम एनओआर न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन मान सकते हैं, इन्हें हम कुछ ह्यूमन क्रोमोजोम में देख भी सकते हैं, इसके बाद में दे आर स्टेन, इन्हें नॉन स्टेन पार्ट कहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसीलिए रॉन्ग स्टेटमेंट के नाम से हमें ये थर्ड राइट आंसर मिल रहा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनओसी, इन्हें हम न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, संभावित, अच्छा क्वेश्चन है।
Next question, please. New cells generate from the following. ये रोडॉल वर्चो के कंसेप्ट पर ही बेस्ड है. प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल का फॉर्मेशन होगा. ये ओल्ड सेल से नहीं बनेंगी, एबायोटिक मटेरियल से नहीं बनेंगी, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट नहीं है. बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से इनका कोई सीधा कनेक्शन नहीं है. प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेंगे. थर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. मैच द फॉलोइंग. क्रिस्टी एंड सिस्टरनी. क्रिस्टी का कनेक्शन आप समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से है. सिस्टरनी का कनेक्शन कहीं ना कहीं गॉल्जी बॉडी और ईआर से है. तो इनफोल्डिंग बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं होगा. डिस्क लाइक स्ट्रक्चर गॉल्जी अपरेटस, ये क्रिस्टी से कनेक्टेड है. इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्रिस्टी से कनेक्टेड है. फ्लैट स्ट्रोमा से कोई लेना देना है नहीं. तो ए में थर्ड और बी में सेकेंड हमारे पास फर्स्ट राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द लाइसोसोम. एंजाइम एक्टिवेटेड 5PH बिल्कुल सही है. कंटेन लाइपेज प्रोटीज न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम बिल्कुल सही है. फंक्शन एज ऑटोलाइसोम एंड हेटरो लाइसोम. ऑटोलाइसोम उन्हें कहते हैं जो अपने ही सेल ऑर्गेनेल को जब वो लाइफ स्पान कंप्लीट करते हैं या यूजलेस हो जाते हैं तब इंटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं. हेटरोलाइसोम का मतलब होता है जो एक्सटर्नल जो सब्सटेंस सेल में एंटर होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करते हैं. तो बिल्कुल इन्हें कहते हैं दे आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रिपेयर बाई SCR. यहाँ गलत हो गया क्योंकि SCR पर राइबोसोम ही नहीं है. दे कैन नॉट प्रिपेयर प्रोटीन सब्सटेंस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. रॉन्ग है तो हमारे पास फोर्थ राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ऑर्गेनिज्म कंटेन बोथ कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल एंड फूड वेक्यूल. अच्छा है, ये प्रोटिस्टा का नेचर है क्योंकि उन्हें फूड लेना होता है फूड वेक्यूल के फॉर्म में. ऑस्मो रेगुलेशन के लिए उन्हें जरूरत होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल की. तो फोर्थ हमारे पास एक वेटर राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर. स्टार्च एंड प्रोटीन फैक्ट्री बिल्कुल सही. अच्छा क्वेश्चन है. इसमें स्टार्च भी बनता है, ग्लूकोज भी बनता है, वो भी फैक्ट्री है. प्रोटीन की भी फैक्ट्री है, एंजाइम भी बन सकते हैं. प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को माना गया है, बिल्कुल सही है. प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, ये कनेक्शन है मेम्ब्रेन का जो कि सिंगर निकोलसन से कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए लिया था. ये हमारे पास रॉन्ग बन रहा है. राइबोसोम फैक्ट्री न्यूक्लियस में बनते हैं, बिल्कुल सही है. मिसमैच्ड जो है वो थर्ड है. राइट आंसर भी थर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. बढ़िया क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, इसका क्रेब्स साइकिल से कनेक्शन है. एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन लिंक रिएक्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन भी बना सकता है, प्रोटीन फैक्ट्री है. सीधा कनेक्शन इसका माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है तीनों ही स्टेटमेंट का, और इसीलिए थर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट प्लीज. फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा रिलेट विद द फॉलोइंग सेल. अच्छा है, प्लाज्मोडेस्माटा कई बार क्वेश्चन बनता है. इसमें जो दो सेल की कनेक्टिविटी है वहाँ डेस्मोटिब्यूल पाए जाते हैं. टिब्यूल आर मेन कंपोनेंट ऑफ SCR, इसीलिए इसका कनेक्शन SCR से बनता हुआ नजर आ रहा है और SCR को ही हम राइट आंसर मानेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. शेप ऑफ मीजोसोम. NCRD की लाइन है. मीजोसोम का शेप टिब्यूल होता है, लैमिलर होता है, एलोंगेटेड लैमिली लाइक होते हैं, राउंडेड स्फेरिकल भी हो सकते हैं, बट स्टार शेप नहीं होते हैं. इसीलिए हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ राइट आंसर बन रहे हैं. फोर्थ हमारे पास उसके लिए विकल्प है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. कंसिडर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल. माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के लिए फिर से आपसे पूछा जा रहा है. बोथ आर सेमी ऑटोनोमस. माइटोकॉन्ड्रिया में सेमी ऑटोनोमस के नाम पर 2-3 साल पहले नीट में क्वेश्चन बना है, तो ये आपको याद रखना है. बोथ हैव सिमिलरिटी विद प्रोकैरियोट, बिल्कुल सही है. बोथ आर ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल लाइक क्लोरोप्लास्ट ओरिजिनेट फ्रॉम BGA, वाइल द माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया, कनेक्ट विथ प्रोकैरियोट, बिल्कुल सही. बोथ रिप्रेजेंट कैटाबॉलिक एंजाइम. कैटाबॉलिक माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकते हैं, होते हैं,
लेकिन क्लोरोप्लास्ट में नहीं, इसका मतलब है दिस इज रॉन्ग. बोथ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गन, बिल्कुल सही. बोथ आर फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट, ये बिल्कुल गलत. मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल ही नहीं होते हैं, इसीलिए पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट फॉर बोथ. हमारे पास तीन राइट हैं, फोर्थ राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच इज रॉन्ग फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए क्या गलत है. न्यूक्लियस एब्सेंट इन नर्व सेल, ये गलत हो रहा है. और न्यूक्लियस इज कंट्रोलर ऑफ द सेल, हमारे लिंग ने से एक्सप्लेन किया है. एसिटेबल एरिया में लोब न्यूक्लियस WBC में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए फर्स्ट एंड फोर्थ इसका राइट आंसर बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स, निशेल पार्टिकल कंपार्टमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोट इंटर कन्वर्जन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अच्छा क्वेश्चन है. कहा जाता है कि जब टीलोफेज में दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की असेंबलिंग होती है तो उसमें ER पार्टिसिपेट करता है, और कहा जाता है कि जब डिसअपियरेंस होती है प्रोफेज लेट में, लेट प्रोफेज में, तब ये RER में कन्वर्ट हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अच्छा कनेक्शन है, और ये सब के सब कनेक्शन ER से हैं. सेकेंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. यूकेरियोटिक सेल वॉल प्रिपेयर बाई द गोल्जी बॉडी, बिल्कुल सही. और सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल प्रिपेयर्ड बाय गोल्जी बॉडी के जरिए, वो सभी कंपोनेंट बनते हैं जो यूकेरियोटिक सेल वॉल के लिए रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन गोल्जी बॉडी एब्सेंट इन ऑल टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो फिर यहाँ पर सेल वॉल कौन बनाएगा. तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल वैसे तो मीजोसोम को किया गया है. मीजोसोम इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसलिए हमारे पास राइट आंसर सेल मेम्ब्रेन बन रहा है. सेकेंड इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. लिविंग सेल स्टडीड बाय फॉलोइंग माइक्रोस्कोप, ये NCERT में जहाँ साइटोलॉजी की स्टार्टिंग है, पहले ही पेज की लोअर मोस्ट लाइन पर ये लिखा है हिंदी की NCERT में कि सेल्स आर स्टडीड बाय फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसीलिए हमें इस पर ध्यान देना है. फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप खास तौर से लिविंग के लिए बनाई जाती है, इसमें स्टडी किए जाते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इसलिए लिविंग के लिए यूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डिंग होती है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक सेल सर्वाइव कर पाए. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के पहले हमें बहुत सारी सेल्स को स्टेनिंग करना पड़ता है, और इसलिए उनको वो डेड हो जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है. इसीलिए इसका जो राइट आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. प्राइमरी सेल वॉल फाउंड इन, ओबियसली एक बात याद रखने लायक है कि जो लिविंग सेल होती है उन्हीं में प्राइमरी सेल वॉल होती है. सेकेंडरी वॉल की जो प्रेजेंस होती है ज़्यादातर वो नॉन लिविंग होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा, ट्रैकीड वेसल्स, इनमें. तो कोलेनकाइमा हमारे पास लिविंग सेल है, इसमें प्राइमरी वॉल है. आउटर वॉल, आउटर सरफेस पर पैक्टिन होता है, बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड एज ए सेल वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेकेंडरी सेल वॉल कंटेनिंग सेलुलोज बट इट्स अरेंजमेंट इज फॉलोइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सेकेंडरी सेल वॉल लाइज जस्ट इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, ये NCERT का स्टेटमेंट है. इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी सेल वॉल और ज़्यादा डिस्कशन के लिए कुछ है ही नहीं. सेकेंड इसके पास बेटर ऑप्शन बन रहा है, राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेलेक्ट मिसमैच्ड पेयर, मिडिल लेमिला कैल्शियम पैक्टेट से बना है, बिल्कुल सही है. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया पेप्टायरोग्लाइकेन से बनती है, हालांकि और बहुत सारे कंपोनेंट हैं लेकिन इनको कंबाइंडली पेप्टायरोग्लाइकेन हम कहते हैं. सेकेंडरी सेल वॉल मेजोरिटी में सेलुलोज से बनी है. सेल वॉल ऑफ BGA सेलुलोज से कभी नहीं बनती है, ये बनती है म्यूरोमिक एसिड, डाइअमिनोपेमेलिक एसिड, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इन सब चीज़ों से बनती है. हेमिसेलुलोज भी हो सकता है. तो मिसमैच्ड के नाम पर हमें फोर्थ राइट आंसर मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. इफ मेल प्लांट कंटेन 2n = 30 क्रोमोसोम एंड फीमेल प्लांट कंटेन 2n = 50 क्रोमोसोम, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंस इन एंडोमेम्ब्रेन, एंडोस्पर्म ऑफ द न्यू हाइब्रिड प्लांट. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है
कि हम फीमेल प्लांट की हैप्लॉइड सेल लें। फीमेल प्लांट यहाँ पर अपन देखें 2N50 है, तो इसका मतलब है कि फीमेल जो प्लांट है उसकी जो प्लॉयडी सेल है N है वो 25 हो जाती है, और जो मेल प्लांट है उसकी प्लॉयडी N इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगी 15। तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म का सीधा कनेक्शन सेकेंडरी न्यूक्लियस से है, तो 25 एंड 25, इसमें हम एक मेल गैमेट को ऐड करेंगे जो कि 15 क्रोमोसोम वाला होगा। जब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली इनका जो कैलकुलेशन है वो 65 हो जाएगा, इसीलिए सेकेंड हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सो द की इवेंट्स, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है कि यहाँ पर न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म किसमें, टीलो फेज में, ये एनसीईआरटी का की पॉइंट है। क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ये एनाफेज का है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोवर, ये मेटाफेज का कनेक्शन है। फर्स्ट एंड सेकेंड हो नहीं सकता, इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एसेंशियल फीचर ऑफ माइटोसिस, रीस्टोर द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो, बिल्कुल सही। रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, इसका अनदर फंक्शन है, इसीलिए हमारा फोर्थ आंसर जा रहा है। प्रिपेयर हैप्लॉइड स्पोर्स इन हायर प्लांट, ये गलत है क्योंकि मियोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर गिवन फिगर, ये फिगर है, इसके लिए गलत रॉन्ग को सेलेक्ट करना है। ये एनाफेज को रिप्रेजेंट करता है मियोसिस में, और वो भी फर्स्ट फेज को, एनाफेज फर्स्ट। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ओबियसली हुआ है। अरेंजमेंट ऑफ हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए टुवर्ड्स द ईच पोल, बिल्कुल सही है। आर्म अरेंज टुवर्ड्स द पोल, ये गलत है क्योंकि वो एक्वेटर की ओर है। क्रोमोसोम मूव एज डायड, बिल्कुल ये डायड के फॉर्म में मूव हो रहे हैं। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बाइवेलेंट और टेट्राड क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल इन फॉलोइंग स्टेज, ये एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी है। क्लियरली हमें नज़र आते हैं पैकेटीन में, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, डिप्लोटीन जायगोटीन डायकाइनेसिस इंटरलेटेड स्टेटमेंट है। तो डिप्लोटीन का जो कनेक्शन है वो डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स है। जायगोटीन का कनेक्शन सिनेप्सिस से है, डायकाइनेसिस का टर्मिनाइजेशन से है। मीन्स ए में फोर्थ जाता है, बी में सेकेंड है, और सी में फर्स्ट। मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम रिकॉम्बिनेज मीडिएट प्रोसेस इन मियोसिस फर्स्ट इज, ये बिल्कुल सही प्रोसेस है कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। क्रॉसिंग ओवर एनसीईआरटी ने दे रखा है, लेकिन अपन इनकम्प्लीट लिंकेज की भी बात करें तो लिटिल अमाउंट में, कुछ मात्रा में यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर होता है, और इसीलिए हम आंसर फोर्थ मानते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस डिवीजन मे नॉट परफॉर्म इन फॉलोइंग, किस में मियोसिस नहीं हो सकती है? हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस नहीं होती है। डिप्लॉइड सेल इन प्लांट, बिल्कुल सही है, जो स्पोर मदर सेल है उनमें मियोसिस होगी। स्पोर मदर सेल ऑफ प्लांट, जायगोट ऑफ स्पोरोफाइटा, क्योंकि इसमें जायगोटिक मियोसिस पाई जाती है। स्पायरोगायरा इज ए मेंबर ऑफ थैलोफाइट, मीन्स सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए फॉर्मेशन इन जायंट क्रोमोसोम, ये क्वेश्चन कुछ दिनों पहले नीट में आया है, और इसमें मैट्रिक्स रीजन ऑफ क्रोमोसोम,
खास तौर से पॉलीटिन क्रोमोसोम में देखा गया था कि इसका आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो मैट्रिक्स आंसर माना जाता है। मैट्रिक्स में प्रोटीन और आरएनए होते हैं, इसलिए फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट राइट स्टेटमेंट फॉर द क्वेश्चन स्टेज G0 ऑफ द सेल साइकिल। G0 के लिए क्या सही है? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव गलत। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, बस स्टैंड हो जाते हैं एक पॉइंट पर। सेल ऑर्गेनेल आर रेप्लिकेट। मेरिस्टेम आर फाउंड इन G0 फेज। तो ये भी गलत है, एक्टिव रहती हैं, सेकंड राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइनेटोकोर। ईच क्रोमोसोम कंटेन टू काइनेटोकोर, और इसीलिए मैंने यहाँ पर पायसम से ट्राइबम को पूछा है, जिसमें कि 14 क्रोमोसोम होते हैं, और 14 क्रोमोसोम हैं तो दो हर एक पर हैं, मींस 28 काइनेटोकोर आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ पायसम सेटाइबम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9+0 माइक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट इज कॉमनली प्रेजेंस इन। 9+0 प्रेजेंस होता है, एक तो सेंट्रियोल के अंदर जहाँ पर सेंट्रल हब है, 9 ट्रिपलेट ट्यूबुल पेरिफेरल रीजन में है। सेंट्रियोल ऑल्सो प्रिपेयर बेसल पार्ट ऑफ फ्लेजिला, मीन्स इट ऑल्सो कंटेन 9+0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर की ओर जा रहा है, क्योंकि सेंट्रियोल में भी 9+0 है और बेसल ग्रेन्यूल यानी कि बेसल बॉडी ऑफ फ्लेजिला में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फिजन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार PMT में आता है, और एनालॉगस स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का हम मीजोसोम मानते हैं, क्योंकि ओरिजिन में देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फंक्शन में देखा जाए तो बोथ रिप्रेजेंट सेम फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, इसीलिए हम मान के चलेंगे कि सेकंड यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फंक्शंस ऑफ द साइटोस्केलेटन इन सेल। साइटोस्केलेटन नो डाउट प्रोटीन के बने हुए हैं, इनसे एडमिन का डिस्क्रिप्शन है। सेल मोटिलिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोवाइड सेप, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। DNA रेप्लिकेशन ये नहीं करते, इसका मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर जा रहा है, बाकी कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल रिलेट टू प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहीं ना कहीं प्रोटीन फॉर्मेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कनेक्ट हैं, उसमें सबसे पहला तो राइबोसोम है, क्योंकि हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री ही कहते हैं। RER पर राइबोसोम है तो ये भी एज इट इज़ है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो प्रिपेयर प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्रिपेयर प्रोटीन बिकॉज दे हैव प्रोटीन फैक्ट्री, इनका कनेक्शन प्रोकैरियोट से है, और इसीलिए वैक्यूल में ऐसा कुछ नहीं है, सेल वॉल ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, इसीलिए यहाँ पर चार सेल ऑर्गेनेल हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रोटीन से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कंसिडर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। सेलेक्ट द राइट एस्टिमेट रिलेट विद द अबव सेल ऑर्गेनेल। इन सब के लिए कुछ खास है, उसे चुनना है। टू सेल ऑर्गेनेल लैक ऑफ एंजाइम, एक्चुअली यहाँ एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें एंजाइम नहीं है, जबकि राइबोसोम में राइबोजाइम है जो 23 sRNA से बना हुआ है। थ्री सेल ऑर्गेनेल आर नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंटेन अ मेम्ब्रेन। यस, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो आर नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, पेरोक्सिसोम आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। They also, centrosome, ribosome also included, are not included in endomembrane, but they lack of membrane. Question is that cell organelle which have membrane. Three cell organelle are not included in endomembrane. Second is the right answer.
ये फोर सेल ऑर्गेनेल रिलेट विद द फोटोरेस्पिरेशन प्रोसेस, ये भी गलत है क्योंकि फोटोरेस्पिरेशन और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिस्टम तीन ही सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते हैं। थ्री ऑर्गेनेल आर फाउंड इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में इनमें सिर्फ एक राइबोसोम मिल सकता है, बाकी तुम्हें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा सेकेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोम सिंथेसाइज इन फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल, ये हमेशा आरईआर पर बनते हैं क्योंकि आरईआर से इन्हें गॉल्जी बॉडी पर ले जाया जाता है, वहाँ से पैकिंग मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट के नाम पर इन्हें लाइसोम में पैक किया जाता है और फिर डिफरेंट टारगेट पर इनको भेजा जाता है। मीन्स सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्लीज, रूट कैप कंटेन मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ गॉल्जी बॉडी, क्योंकि रूट कैप को सॉइल में एंटर होना होता है इसलिए म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और म्यूकस का सेक्रेशन एक्सेस अमाउंट में अगर कोई कर सकता है तो वो है गॉल्जी बॉडी, और इसीलिए रूट कैप में इसकी मैक्सिमम प्रेजेंस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनेल रिलेट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनिमल रिप्रोडक्शन में लाइटिक एंजाइम का जिक्र किया गया है जो एग की मेम्ब्रेन में एक पोर बनाता है। लाइटिक एंजाइम गॉल्जी बॉडी और लाइसोम से कनेक्टेड हैं, और ओबियसली जो स्पर्म है उन्हें एग की ओर मूव होना होता है, तो इसमें मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस तरीके से दो सेल ऑर्गेनेल इस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कौन कौन होना चाहिए, लाइसोसोम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर, इनको रिवर्स फॉर्म में एनसीईआरटी ने लिखा है, ईआर, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम, नो डाउट थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्लीज, अ सेल सैप ऑफ वैक्यूल डज नॉट कंटेन फॉलोइंग सब्सटेंसेज, ओबियसली सेल सैप के अंदर मिनरल होता है, एंथोसाइनिन को भी इसमें स्टोर किया जाता है, मिनरल्स, वाटर की एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेजेंस पाई जाती है, बट कैरोटीनॉइड आर एब्सेंट इन सेल सैप, मींस फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्लीज, सेलेक्ट पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग सिंगल मेम्ब्रेन ऑन आउटर सरफेस, ऑर्डिनरी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम और पेरोक्सिस्टम, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, मींस थर्ड इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग है, अब यहाँ लाइसोसोम सिंगल है लेकिन सेंट्रोसोम पर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकेंड नहीं हो सकता, फोर्थ में देखें तो किसी पर भी मेम्ब्रेन नहीं है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर ऑफ एनिमल सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रिपेयर्ड बाय, ओबियसली ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर को बनाता है, फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्लीज, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स, ओबियसली अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ मोस्टली अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, एब्सेंस इन शीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम, रिलेटेड विद द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये कैल्शियम का रोल होता है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल को ज़्यादातर ईआर बनाता है, तो सीधे सीधे इंडिकेशन इसमें जो जा रहे हैं वो ईआर की ओर हैं, तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट नंबर ऑफ राइट मैच्ड पेयर सेल पार्टिकल आरईआर से रिलेट करते हैं, बिल्कुल सही है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम राइबोसोम पर होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेसल ग्रेन्यूल ओबियसली सेंट्रियोल ने किया है, डिजॉल्यूशन ऑफ सेलेक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में होता है, बिल्कुल सही है, फोटोरेस्पिरेशन का कनेक्शन पेरोक्सिसोम से होता है, मीन्स ऑल फाइव पेयर्स आर rightly matched, means second is the right answer. Next, select right option for nucleoli presence in cell actively carrying out protein synthesis, जिनमें protein synthesis fast होता है उसमें large और many nucleoli presence होते हैं, ये
First is the right answer. Next question. Which of the following option is correct? Bilkul, both animal, plant cell wall hoti hain, aisa nahi hai. In procreative cell, there are no membrane boundary cell is the right. Cell de novo generate nahi hoti hain, kyunki wo pehle se present cell se hi banti hain, to yes, ye galat ho raha hai. Aur ye dissimilar hoti hain, balki prokaryote aur eukaryote membrane ke based birth similar hain, isliye second right answer hai. Which of the following option is not correct statement? Robert Brown discovered cell. ये यही गलत हो रहा है क्योंकि Robert Hooke ने cell को discover किया है. Slead and Swan formulated cell theory. बिल्कुल सही है. Virchow explained the cells are formed from pre-existing cell. बिल्कुल सही है. Unicellular organism carries out its life actively within a single cell. बिल्कुल सही है. First wrong हो रहा है. इसीलिए हमारा first right answer है. Next. How many high energy bond, phosphate bond presence in ATP? ATP का जो molecule होता है, उसमें तीन phosphate presence होते हैं, और जो last के two हैं, इन्हें हम कहते हैं high phosphate energy bond. Energy bonds. इसलिए इसको ये जो बॉन्ड है ये फास्फेट बॉन्ड है लेकिन ये हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेकंड राइट आंसर जा रहा है. नेक्स्ट. डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर इन क्रोमोसोम ड्यूरिंग द बर्थ माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन रेस्पेक्टिवली. माइटोसिस में ओब्वियसली ये एनाफेज में होगा और जो मियोसिस है इसमें सेंट्रोमियर का जो रेप्लिकेशन है वो मियोसिस सेकंड में होता है. फर्स्ट में ये नहीं होता है क्योंकि ये डायड के फॉर्म में मूव होता है. मींस राइट आंसर शुड बी सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. स्टडी ऑफ मियोसिस कंप्लीटेड. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फ्लावर बड में ही हम मियोसिस पढ़ सकते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम में नहीं. अनियन रूट में माइटोसिस, मेरिस्टेम में माइटोसिस. फ्लावर बड कंडीशन का मतलब है कि जब मियोसिस हो रहा है तो इसमें पोलन ग्रेन्स और भी जनरेट हो रहे हैं. जैसे ही फ्लावर ओपन होता है इसका मतलब है कि वहाँ पोलन ग्रेन बन चुके हैं. मींस मियोसिस मेनली स्टडीड इन फ्लावर बड रीजन. सेकेंड इज राइट आंसर. नेक्स्ट प्लीज. Select number of mismatched pair on the shape of chromosome. Chromosome के basis पर wrong को select करना है. Metacentric V shape होता है, बिल्कुल सही है. Telocentric जो है वो I phase में आता है, बिल्कुल सही है. But acrocentric are not L shape and submeta are not J shape. Means mismatched pair की बात करी गई है तो दो हैं. Right answer is second. Next question. Which is not true for nucleus? Nucleus के लिए क्या सही नहीं है? Robert Brown discovered nucleus. बिल्कुल सही. Nucleus is the controller of the cell. बिल्कुल सही. Nucleus is absent in nerve cell. ये गलत है. Nuclear pore provide passage for transport of RNA and protein between nucleoplasm and cytoplasm. ये सही है. नॉट ट्रू पूछा गया है तो यहाँ पर एब्सेंट इन नर्व सेल जबकि प्रेजेंस होता है तो नॉट ट्रू में थर्ड जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोसिस. परफॉर्म क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज. यही गलत हो रहा है क्योंकि मियोसिस का काम है ये. रिक्वायर फॉर द म्यूटेशन एंड रिपेयरिंग. परफॉर्म हीलिंग ऑफ बाउंड्स. हाँ, ये घावों को भरने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है. ख़ासतौर से जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लेटरल मेरिस्टेम है वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है बाई द माइटोसिस. रिक्वायर फॉर द स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रायोफाइट. नो, इसके लिए मियोसिस की जरूरत पड़ती है. तो फंक्शन है हीलिंग ऑफ बॉन्ड्स. थर्ड इज राइट.
Next question. Select the number of right pairs given below. Bilkul. Zygotic meiosis obviously thallophytes pe paayi jaati hai, ball box hai. Sporic meiosis aapke sphagnum, yani ki bryophyte se lekar angiosperm tak hoti hai, to ye bhi sahi ho jata hai. Gametic meiosis obviously animals mein hoti hai, to human mein bhi ye process hogi. Sporic meiosis spirogyra mein nahi hogi kyunki ye thallophyta ka member hai aur isiliye ye galat ho jayega. Aur right pairs ki baat hai to teen hai. Second is the right answer. Okay, thank you.